सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑन अ न्यू डे ऑन अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अभी हमारे साथ में पीछे खड़ी है द NF50 एंड अपनी RC 200 का कंपैरिजन वीडियो, क्योंकि भाई दोनों ही बाइक है बहुत ही ज़्यादा शानदार है अपने अपने सेगमेंट में। क्यों? क्योंकि भाई ये है एक नेकेड बाइक एंड वो है एक फेयरिंग वाली स्पोर्ट्स बाइक। तो भैया दोनों के ही फीचर्स बहुत अच्छी तरीके से लोडेड हैं, बट कुछ जगह पर ये बाइक इसको मात दे देती है एंड कुछ जगह पर ये इसको मात देती थी। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे डिफरेंसेस की जो आपको एक बाइक में मिलते हैं लेकिन दूसरी में नहीं मिलते। एक में आपको देखने के लिए मिलता है 250cc का इंजन, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलता है सिर्फ 200cc का इंजन। इसका इंजन में अगर आपकी बात करते हैं तो यहाँ कूलिंग होती है आपको, ऑयल कूल्ड, एंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है लिक्विड कूलिंग। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं पीछे इसके सीटिंग की, तो सीटिंग आपको N250 में ज़्यादा कंफर्टेबल मिलती है कंपेरेटिवली RC के। देखें अगर आपको RC में देखें तो आपका जो पिलियन राइडर है वो काफ़ी ऊंचा रहता है, लेकिन यहाँ पर सीट अच्छी खासी वाइड है तो आपको पिलियन राइडर को दिक्कत नहीं होने वाली। उसके साथ साथ में आपको इसमें जितनी भी लाइट्स मिलती हैं सब आपको LED लाइट्स मिलती हैं, वेयर है सेम इन RC आपको इसमें भी सब LED लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं इसका इंजन है 250cc या 200cc, इसमें आपको देखने को मिलती है इसमें बायर की ब्रेकिंग एंड इसमें आपको देखने को मिलती है ग्रिमसिया की ब्रेकिंग। तो दोनों की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है। और बात करें हम पिकअप की, तो दोनों में ही पिकअप आपको बहुत ही ज़्यादा टक्कर का देखने के लिए मिलता है और तुरंत ही बाइक बहुत अच्छी खासी उठती हैं। बस हाँ ये है, अगर आपकी बात करते हैं हायर एंड यानी कि टॉप एंड में, तो ये बाइक इससे ज़्यादा जाती है क्योंकि ये जाती है अराउंड 140 एंड 145 के आसपास, लेकिन ये जाती है 130 पे। इसके साथ साथ में कहीं हम बात करते हैं इसका वन ऑफ दी मेजर डिफरेंस की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट में अगर आपको साउंड सुनाएं एंड इसके बाद में वन ऑफ द मेजर डिफरेंस की बात करें, तो ये बाइक आपको अराउंड 1.5-2 लाख की पड़ेगी या ज़्यादा 170 से 180 या ऐसे आसपास पड़ने वाली है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपको पड़ने वाली है अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए की। तो जैसे भाई लोग आपने देख लिया इनमें डिफरेंस मिलता है, इसकी आवाज़ जो इतनी बेसी नहीं है लेकिन N250 की आवाज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बेसी देखने के लिए मिलती है। उसके साथ साथ में भाई वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स या कह लो RC का जो कंपटीशन को हराने वाला, वो ये है कि इसमें आपको देखने के लिए मिलता है एक चार्जिंग पॉइंट जो कि आपको RC में नहीं मिलता। RC की आपको राइडिंग पोस्टर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मिलता है, लेकिन इसका काफ़ी एक एग्रेसिव होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी है। और इसके अलावा भाई इसमें कोई भी मुझे ख़राबी नहीं दिखाई थी, बस इसमें एक ही चीज़ मुझे लग रही है कि इसमें ऑयल कूल की जगह अगर लिक्विड कूल होता तो और बेटर रहता, लेकिन हाँ बाकी बाइक बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बस बेहतरीन है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो हाँ जी भाई लोग, यही था आज का हमारा व्लॉग, ऐसी थी कुछ इस बाइक का रिव्यू। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किसी अगर आपको बाइक का देखना हो रिव्यू तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना। लेट्स एंड दिस व्लॉग, इट्स योर वंडरलेस शशांक साइनिंग ऑफ, बाय बाय।